गायों में फैली लंपी स्किन डिसीज के सरकार की शिथिलता के चलते अब शहर में जनप्रतिनिधि आगे आकर पशुओं को बचाने में जुट गए हैं। कसरावत शहर में नगर परिषद अध्यक्ष जनप्रतिनिधि राजेंद्र सिंह यादव ने 200 गोवंश का टीकाकरण करवाया ताकि इस बीमारी से बचाव हो सके। नगर परिषद अध्यक्ष जनप्रतिनिधि राजेंद्र सिंह यादव ने बताया कि जिस तरह हमारे घर किसी सदस्य के बीमार होने पर हम उन्हें बचाने के लिए कितने जतन करते हैं, उसी तरह गौ माता भी हमारे घर की सदस्य है, हमें उन्हें बचाने के लिए भरकस प्रयास करने चाहिए। पशु चिकित्सालय अधिकारी डॉक्टर ललित पाटीदार ने बताया कि यह वायरस लंबी बीमारी पशुओं को मच्छर मक्खी काटने से एक संक्रमित पशुओं से स्वस्थ पशुओं में फैलती है, जिससे यह घातक बीमारी है। कसरावत से अकील खान की रिपोर्ट। ये जो वायरस है, एक वायरस है जिससे कि पशुओं में लंपी स्किन डिसीज नाम की बीमारी फैल रही है। क्योंकि वायरल बीमारियों में संक्रामकता ज़्यादा होती है और ये जो बीमारी है पशुओं में मच्छर मक्खी काटने से, टिक्स से, इससे एक संक्रमित पशु से एक स्वस्थ पशु में फैलती है, इसलिए ये ज़्यादा घातक है। और इसके साथ साथ जो गंदगी रहती है पशु बाड़ों में, उसके संक्रमित पशु की गंदगी के स्वस्थ पशु के संपर्क में आने के दौरान भी यह वायरस एक दूसरे पशु में फैल रहा है। लगभग कितने टीके लग चुके हैं यहाँ पर? अभी कसरावत विकास खंड में गौशालों में और आज यहाँ पर विशेष शिविर का आयोजन किया गया है, जो कि श्री राजेंद्र सिंह जी यादव के सौजन्य से यहाँ पर इन्होंने टीके हमें अवेलेबल करवाए हैं पशु चिकित्सालय कसरावत में शिविर आयोजन के लिए। और ये टीकाकरण का कार्यक्रम चालू हो गया है और इन्होंने हमें 200 के करीब टीके उपलब्ध कराए हैं जिनको गोवंशी पशुओं में टीकाकरण किया जाएगा। ये बीमारी का जैसे जिस परिवार में है ये पशु, उनको उनके परिवारों पे इसका कोई असर तो नहीं होगा? नहीं, ये बीमारी जूनोटिक बीमारी नहीं है, अर्थात यह बीमारी पशुओं से इंसानों में नहीं फैलती है। यह सिर्फ पशुओं से पशुओं में और सिर्फ गोवंशी पशुओं में ही अभी संक्रमण के केसेस देखने को मिल रहे हैं, इसलिए अभी इंसानों को इस चीज़ से घबराने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए, संक्रमित पशुओं को अलग रखना चाहिए, उनका खाना पीना अलग करना चाहिए और स्वस्थ पशु हैं उनको बिल्कुल अलग रखना चाहिए। अभी लंपी वायरस नाम की बीमारी गौवंश पर चल रही है पूरे क्षेत्र में, और उसी बीमारी से बचाव के लिए जो टीकाकरण आज से प्रारंभ हुआ है हमारे पशु चिकित्सालय में, हमारे डॉक्टर पाटीदार जी और वर्मा जी के द्वारा उनके सहयोग से टीके हमने उपलब्ध करवाए। चूँकि टीके शासकीय अस्पताल में उपलब्ध नहीं है, इसीलिए गौ माता को बचाने के लिए आज टीकाकरण टीके उपलब्ध करवाकर टीकाकरण का शुभारंभ किया गया है। मैं हमारे किसान साथियों से और हमारे गौ पालकों से निवेदन करना चाहता हूँ कि वे ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में अपने गौवंशों को लेकर पशु चिकित्सालय आएँ और निःशुल्क टीकाकरण का लाभ वे उठाएँ और हमारी गौ माता को बचाने में अपना योगदान दें। सभी मेरा नगरवासियों से भी निवेदन है, क्षेत्रवासियों से भी निवेदन है कि वे इस वायरस से बचाने में टीकाकरण पर अवश्य ध्यान दें और हमारी गौ माता के इलाज में भी हमारे पशु चिकित्सक आदरणीय पाटीदार जी और वर्मा जी जो पूरी तरीके से इस क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उनसे संपर्क करके और गौ माता को बचाने के लिए सभी समाज सेवी साथी भी आगे आएँ, इसी भावना के साथ हमने आज का ये टीकाकरण का शुभारंभ किया है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।